गाइस, वेलकम बैक। सो अभी बज रहे हैं तकरीबन 10 और पीहू चली गई है स्कूल। सो मैं अभी कुछ एडिटिंग कर रही थी। एक्चुअली पीहू की ही एक वीडियो है जिसको मैं एडिट कर रही थी। सो यस, और अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए क्योंकि वीडियो मैंने पब्लिक होने पे रख दी, क्योंकि नेट बहुत स्लो चल रहा है आजकल जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। तो यस, और अभी मैं नहाने जाऊंगी। और उसके बाद में, नहाने से पहले मेड नहीं आ रही है तो ऑब्वियस घर को थोड़ा सा क्लीन करना है, तो वो करके फिर मैं नहाने जाऊंगी एंड क्या पीपल लेने जाऊंगी। सो चलिए, और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगी कि डेली छोटा छोटा वीडियो डाल सकूं। सो देखते हैं कितना होता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला कि मेरी मेड नहीं आ रही है तो सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो बर्तन वगैरह तो मैं रात में धो लेती हूँ और जो एक दो मॉर्निंग में निकलते हैं वो भी मैं धो करके रख लेती हूँ। सो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू पोछा करने के बाद में मैंने जो है झाड़ू लगाने के बाद में एक्चुअली मैंने मशीन में डाल दिए सारे डोर मैट्स, क्योंकि बहुत ही गंदे हो गए थे वो। सो यस, और मशीन अपलोड करने के बाद में मैंने घर पोछ लिया जो मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। एंड उसके बाद मैं पीयू के लिए यहाँ पे मिल्क शेक बनाने के लिए आ गई थी। तो पीहू को मैं जब भी लेने के लिए जाती हूँ तो उसके लिए मैं मिल्क शेक बना करके लेके जाती हूँ। उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ आज मैं घर पे स्ट्रॉबेरी है, जो भी घर पे फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं मैं उसे को बना लेती हूँ। तो स्ट्रॉबेरी अवेलेबल था घर पे तो मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना लिया। और मैं अवॉइड करती हूँ शुगर डालना, मैं शुगर की जगह हनी डालती हूँ। तो मैंने 3-4 स्ट्रॉबेरी काट के यहाँ पर डाल दिए हैं ब्लेंडर जार में, और साथ ही मैंने दूध डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा हनी डाल दिया है। और या स्ट्रॉबेरी थोड़े खट्टे होते हैं तो हनी थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। इसकी जगह आप चाहें तो जैगरी मैं कभी कभी डाल देती हूँ, या फिर जो ब्राउन शुगर होता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो वो आप डाल करके ले जा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और ये काफ़ी अच्छा भी होता है क्योंकि बहुत थके हुए होते हैं तो उनको वो थोड़ा सा थ्रस्टी जैसा फील होता है पीहू को, तो वो गाड़ी में उसको आते समय चाहिए। तो मैं वो यहाँ पे उसके लिए बना करके रख लेती हूँ और उसके बाद मैं लेने के लिए जाती हूँ। और ये नॉर्मल मिल्क ही रहता है, कोई चिल्ड मिल्क नहीं रहता है। सो यस, और ये है मेरा ब्रेकफास्ट जो आज मैं कर रही हूँ। सो चलिए। सो आप देख सकते हैं कि मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ में हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 11:30 होने वाले हैं, 25 हो चुके हैं। सो मुझे पीयू के लेने के लिए जाना है और मेरा ड्राइवर आज छुट्टी पे है। सो कैब लेकर के जाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना है। तो जल्दी से फिनिश करती हूँ और नॉर्मली यही होता है। ये मायो के साथ मैं सैंडविच बनाया हुआ है। मायो थोड़ा सा चीज डाल करती हूँ, जो क्रीम चीज होता है वो, एंड वेजीज हैं बहुत सारे, पनीर है, बहुत यम्मी बनता है। सो ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है। तो गाइस, ये जो है ब्लॉग, मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और कोशिश कर रही हूँ, पहले मैं इस चैनल पे एक दो कुकिंग का वीडियो डाली थी, वो कुकिंग के जो रेसिपी है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आप जरूर जा करके देख सकते हैं। और यह कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग करूँ, और इस चैनल पे सिर्फ ब्लॉग ही है, मेरे जितने भी ब्लॉग हैं छोटे छोटे, बहुत लेंदी नहीं करूँगी। सो यस, और मेरा सुबह से आज तक का रूटीन यही, एंड यहाँ पे बात करते हुए ये आवाज़ हमेशा आएगा।
एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट के पास में रहने से यही एक जो है ना, सॉरी, तो यही एक प्रॉब्लम होती है। तो ये फ्लाइट्स यहाँ से हमेशा क्रॉस करते रहते हैं तो आवाज़ आती है, तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। सो यस, अभी मैं चलूँगी जल्दी से, फटाफट से जो बचे खुचे रेडी होना है वो हो जाती हूँ, इसे मैं किचन में रख देती हूँ, बाद में आऊँगी तो वॉश करूँगी। एंड या चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।